ओ साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, सतगुरुदेवा की। दूसरे लोग वह हैं दुनिया के अंदर जो परमात्मा को मान रहे हैं, आत्मा को मान रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं, सभी चीज़ों को मान रहे हैं और वो मुक्ति को भी समझ रहे हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई मुक्ति प्राप्त करनी है। इनोसेंट भी हैं थोड़े बहुत, ऐसी बात नहीं है। वो किसी को नहीं सताना चाहते हैं, पाप नहीं करना चाहते हैं, उनको थोड़ा भय भी है। वो ये भी मान रहे हैं भाई कर्म है, सब चीज़ें मान रहे हैं, लेकिन उनको वेल नहीं है। दुनिया में बहुत कंपेल हैं, बाल बच्चों में मौज मस्ती में हैं, लेकिन वो पहले पामर लोगों से ठीक ठीक है। ऐसे लोगों को कहते हैं संसारी जीव। अच्छे हैं कम से कम, क्या अच्छे हैं, इतना तो ठीक है। दो बुरों में एक अच्छा ढूंढने तो उसी को तो ढूंढेंगे जिसमें कम बुराई है। कम से कम वो दूसरे को सता नहीं रहे, वो थोड़ा बहुत कभी मौका मिला भक्ति भी कर लेते हैं, सत्संग भी सुन लेते हैं, कहीं जाते भी, लेकिन उनका खास कंसंट्रेशन दुनिया भी चीज़ों में कंसंट्रेट होता है। वो अपनी सुख सुविधा उन्हीं में ढूंढते हैं और वो, लेकिन अनुचित तरीके से नहीं। वो जो पहले पामर है वो तो घूस भी ले लेंगे, कत्ल भी कर देंगे, चोरी भी कर देंगे, व्यभिचार भी कर देंगे, पराई स्त्री दिखी उससे व्यभिचार भी कर लेंगे, जो भी पाप कर्म है सभी कर लेंगे। लेकिन जो कम से कम संसारी है, थोड़ा थोड़ा सोचता है भाई पाप है, ये नहीं करना है, ऐसा है, थोड़ा थोड़ा मान रहा है। वो इसलिए मान रहा है उसके संस्कार मध्यम श्रेणी के हैं, पर वो कभी कभी मौका मिला, सत्संग मिल जाता है, अच्छे लोग मिल जाते हैं तो सुधर जाता है। षट सुधरत सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सुधर जाते हैं ऐसे भी लोग, लेकिन पहली कैटेगरी वाले भी सुधर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर इनको कहते हैं संसारी। ये जो संसारी जीव है ठीक ठीक है, लेकिन ये आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते हैं। इनका लक्ष्य होता है स्वर्ग पाए, थोड़ी थोड़ी भक्ति बाहर ही कर लेते हैं, इनको वेल नहीं है, डीपली नहीं जा रहे हैं वो डीपली नहीं जाते। दान भी कर लेते हैं, पुण्य भी कर लेते हैं, शुभ कर्म भी कर लेते हैं, मंदिर आदि धर्म स्थान पर भी जाते हैं, चंगे। और वो उनका लक्ष्य होता है स्वर्ग पाएं, उनका लक्ष्य होता है पितृलोक में जाएं, उनका लक्ष्य होता है नर्क से तो बच जाएं। तो वो दो तरह की मुक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, सामीप्य और सालोक्य। वो लोग इन दो मुक्तियों की प्राप्ति कर लेते हैं, इनोसेंट लोग हैं, ठीक है। लेकिन तीसरे लोग इस दुनिया में वो हैं जो हमेशा अपने आत्म तत्व के कल्याण के लिए जागरूक हैं, हमेशा आत्मा के लिए चिंतित हैं। वो हमेशा सोचते रहते हैं ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, 84 लाख योनियां 3 करोड़ साल में भोग कर शास्त्रानुकूल वो धर्म को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, कर्म को मानते हैं, पाप पुण्य को मानते हैं, बाकी सब चीज़ों को मानते हैं। जैसा मौका मिला वो अपना उसी तलाश में रहते हैं। दुनिया में रहते हुए भी उनका मूल जो ध्यान है दुनिया की चीज़ों में नहीं है, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए दुनिया में रहते हैं। हमेशा वो एक तलाश में रहते हैं, वो जिज्ञासु हैं, ईयर नेस्ट नेस्ट उनमें इतनी अधिक होती हैं, हर जगह वो जाकर के तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। वो आत्मा के लिए काफ़ी इनोसेंट हैं, वो जागरूक हैं, उनको आत्मा के कल्याण की बड़ी फिक्र है और वो कोई भी पाप नहीं करना चाहते हैं। बड़े ब्रिलियंट लोग होते हैं, वो बड़े इनोसेंट हैं, वो किसी भी तरह से मन वचन कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं देते हैं, झूठ से परहेज करते हैं, पाप कर्म से परहेज करते हैं और सत्यवान होकर के जीवन गुजारते हैं। वो होते हैं थोड़े ते नरवर, थोड़े जगमाई, बहुत कम क्वांटिटी है उनकी, उनको कहते हैं जिज्ञासु या परमार्थी। पर वो लोग अपने इर्द गिर्द भी देख रहे हैं, इस तीन कैटेगरी के अंदर ही आपको लोग मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मुक्ति की चाह, ये मोक्ष तत्व की प्राप्ति मनुष्य कर रहा है। फिर दूसरे कुछ लोग हैं तो वो क्या करते हैं, इसी में लग जाते हैं, वो इसी में लग जाते हैं, हमेशा वो शुभ काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, गुरु की तलाश में होते हैं,
और दुर्भाग्यवश उनको जब गुरु नहीं मिल पाता है तो इन्हीं चीज़ों तक वो भी सीमित हो जाते हैं। जब उनको लाइन ही नहीं मिली तो बेचारे कैसे जाए, मोटरसाइकिल में स्पीड तो बड़ी है, रास्ता जब टेढ़ा मेढ़ा मिल गया उसको तो वो थोड़ी 100 में उड़ाएगा, वो तो गिर जाएगा। तो उन बेचारों को मंजिल ठीक नहीं मिल पाती है, लक्ष्य तो उनका ठीक होता है, जब रास्ता ठीक नहीं मिल पाता है तो वो भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जहाँ दुनिया चलती है, इसी में लग जाते हैं, पर वो संतुष्ट नहीं होते। तो दो तरह की मुक्तियाँ इस तरह से कभी कभी वो भी उलझ जाते हैं। दो तरह की मुक्ति प्राप्त होती है, सालोक्य और सामीप्य, पितरादि लोकों में चले जाते हैं। पर वहाँ पितृलोक में भी आत्मा थोड़ी है, वहाँ भी तो माया है। साहब की वाणी देखें, कहाँ जाना है हमें, कैसी मुक्ति पाना है, मुक्ति मुक्ति सब जगत बखाना, आदि मुक्ति कोई बिरला जाना बंदो। तो इस प्रकार से वो लोग इन चीज़ों में लग जाते हैं, वो लोग जब मौका मिलता है चलते हैं, सरगुण भक्ति किए जाते हैं, दो मुक्तियाँ मिल जाती हैं उनको, सामीप्य पितृलोक में, पितृ तर्पण कर रहे हैं, हम सब बरखी कर रहे हैं, पितृलोक में पहुँचते हैं, वहाँ निर्भय पद नहीं है, वो क्या करते हैं, वहाँ भी आत्मा का रूप थोड़ी है, वहाँ भी मन है, वहाँ भी एक शरीर है। ठीक वैसा जैसा आपको नींद में एक शरीर मिलता है, उस समय सत्य लगता है, होता वो भ्रमांक है, इस तरह वहाँ एक शरीर मिलता है। पितृजन कभी कभी आपके पास मिलने भी आ जाते हैं, वहाँ कितने दिन रहता है, हजारों साल की मुक्ति है, फिर पुनर्जन्म विद्यते आ जाते हैं जन्म लेकर के, इसको हमारा धर्म मान रहा है। इसलिए साहब कह रहे भाई इससे कोई कल्याण नहीं हुआ तुम्हारा, आप थोड़ा साहब की वाणी को पढ़ें, गहराई में उतरें। दूसरे सालों के मोक्ष, स्वर्ग आदि लोगों में पहुंच जाओगे, लेकिन कर्माणि क्षीणे मृतलोका, कर्मों के क्षीण होते फिर मृतलोक में आ जाओगे। भैया वो तो एक अच्छी तरह से अपने कर्मों का फल भोगने के लिए केवल वहां जाता है, फिर वो पूर्ण क्षीण होने के साथ जितने उसके कर्म है उतना समय वहां रहता है, फिर धरती पर आता है। स्वर्ग में भी शरीर है, नचिकेता जब उसके पिता ने जब उसे दान दे दिया यमराज को, तो उन्होंने वहीं जाकर यही बात कही थी, मुझे आत्मा का ज्ञान दो, वो कह रहे स्वर्ग चाहिए, बाकी चाहिए, तीन लोक का राज्य चाहिए, कुछ मिले पर आत्मा का ज्ञान मत दान। दुर्लभ आत्म ज्ञान दुर्लभ जगमाही, ये बहुत दुर्लभ ज्ञान है। आइए हम देखते हैं, वहाँ से फिर पुनर्जन्म विद्यते दोबारा आना होता है, जब दोबारा आए तो यही झंझट फिर मन और माया के अधीन आ गए, 84 का फेरा शुरू हो गया, और कितना पीड़ादायक सफर है ये 3 करोड़ साल का, चारों खाने भ्रमते भ्रमते तब मानव तन में आते हैं, इसलिए अत्यंत पीड़ादायक ये प्रोसेस है 84 का फेरा, और मात गर्भ में परम कष्ट ही मिलता है। इसलिए जन्मना मरना अपने आप में बहुत बड़ी पीड़ा है, मैंने कई बार बोला है, उधर में त्रिताप मिलते हैं, मातगर्भ में 3 तरह का कष्ट मिलता है, ये भयंकर असहनीय कष्ट है, ये कुंभी नरकों से भी भयंकर कष्ट है, और ये मैथुन सृष्टि है, सबका जन्म माता के गर्भ से होता है, इसलिए वहाँ का प्रोसेस बड़ा नरकी है। कुंभी नरकों में भी इतनी पीड़ा नहीं है जितना मातगर्भ में कष्ट है। पहला तो औंधे मुँह झूले, वहाँ उल्टे मुख झूलना है, 9-10 मास मातगर्भ में औंधे मुँह झूला, उल्टे मुँह बड़ा कष्टकारी है, आदमी को 5 मिनट उल्टा टांग दो तो जो भी कहो वो कहने लगेगा, कहेगा भैया मुझे सीधा कर दो, जो कहो वही करूँगा। और दूसरा है जठर अग्नि, बड़ी हीट है माता के गर्भ में, हर इंसान में 98.4 टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट 55 के बाद हो जाती है, इतना ही हीट है। अच्छे अच्छे पदार्थ हम सब भक्षण करते हैं, अनार हैं, नाशपाती हैं, सेब हैं, अंगूर, संतरे, केले, अमरूद आदि, इनमें खुशबू है, पर जब ये 6-7 घंटे बाद मल रूप में बाहर आते हैं तो कितनी दुर्गंध है, इतना, क्योंकि अंदर वो जैसे भट्टे में ईंट पकती है, अंदर इतनी हीट है, ये जिस्म वहाँ पका इसलिए हीट मिली। शास्त्रों में लिखा है रो नरक में भी इतना कष्ट नहीं मिलता है जितना तते तवे पर बैठने पर आदमी को पीड़ा मिलती है, मात गर्भ में इतने बड़े कष्ट को ये जीव सहता रहता है, असहनीय पीड़ा मिलती है। तीसरा परम दुर्गंध है, वहाँ भयंकर दुर्गंध है, क्योंकि मलमूत्र की थैलियाँ भी वहीं पर है, उसी में अत्यंत संकरे जगह पर ये कसा हुआ रहता है, और ये बहुत पीड़ा में रहता है। गर्भ में तूने किया था कॉल, तुझे याद है कि ना, याद है, ये बहुत बड़ा कष्ट है, और ये कई बार हर बार जन्म जब भी ले रहे हैं तो इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, ये इतना पीड़ादायक है, जेल वेल में इतना दुख नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा दुख है। इसलिए आवागमन का कष्ट, इससे बचने के लिए लोगों ने चिंतन किया, सुधकर हंसा अपने देश, कुछ चिंतन करते हैं, कुछ विचार करते हैं, कुछ विचार नहीं कर पाते हैं। तो यानी मात गर्भ में त्रिताप मिले, संसार में कौन सा सुख है,
भयंकर दुख ही दुख है। मैंने जीवन का चित्रण चंद शब्दों में कई बार बोला, इस संसार में सुख नहीं, नानक दुखिया सब संसार सुखी सही जय नाम आधार। जगत में दुख है ही हैं, ये दुखों का असीम सागर है, इसलिए इसको भव सागर कहते हैं, भव निधि, और ये दुखों का समुद्र है, यहाँ दुख ही दुख है, इसलिए वापस इसी प्रोसेस में फिर टपक पड़ेगा आत्मदेव। यहाँ फिर इनके शिकंजे में कसा है, सभी कर्म अकर्म इनसे कराए जा रहे हैं, आत्मा बहुत बुरी तरह बंधी हुई है, बंधी है, इसलिए मुक्ति तो जरूरी है ही है, मोक्ष की तो जरूरत बेसिक है ही है, मुक्ति तो प्राप्त करना ही करना है, और इसलिए परमात्मा ने मानव तन को उपयुक्त करके मौका दिया आपको। धन भाग जगी रे, मानुष देह मिली रे मिली, हे मानव ये तन मिला तो मुक्ति को प्राप्त करो। गोस्वामी जी ने रामायण में इसका बड़ा बेहतरीन निरूपण किया, मैंने कई बार ये दोहा बोला है, सुर दुर्लभ रामायण कह रहे हैं, देवताओं को भी नहीं प्राप्त होने वाला, ये सुर दुर्लभ चोला है भाइयों, ये कोई मामूली तन नहीं है। श्रुति पुराण सदग्रंथन गाया, श्रुति वेद को कहते हैं, पुराण सदग्रंथ ये बात कह रहे हैं कि ये दुर्लभ है, नहीं मिलना। लाल ग्वांचे स्वासन रोल बंदिया, साहब भी कह रहे हैं धन भाग जगरिए, मानुष देह मिली रे मिली, मानव शरीर मोक्ष का द्वार है, बस इंटर ले लो, मुक्ति प्राप्त कर लोगे। और देवता लोग भी कांक्षा करते हैं हम नर्तन को प्राप्त करें, देवत्व इस नर्तन की प्राप्ति की कांक्षा करता है। कभी भी एक ऑफिसर नहीं चाहता कि मैं चपरासी बनूं, चपरासी चाहता है कि ऑफिसर बनूं, हर इंसान तरक्की की तरफ चलना चाहता है। देवता लोग देवत्व क्यों मानवता की तरफ आ रहा है, ये तरक्की है, इससे बड़ी तरक्की कोई भी नहीं है, जो ये तन मिला ये बहुत बड़ी तरक्की है, इसको व्यर्थ न गवाइएगा। पर ये भक्ति, ये मुक्ति, भक्ति नशेणी मुक्ति की, इस भक्ति की उत्पत्ति, मुक्ति की प्राप्ति भक्ति से, और भक्ति कहां से आएगी, ये सत्संग के बिना मिल ही नहीं सकते हैं, इसका केंद्र ही भक्ति का है, सत्संग। फिर भक्ति निरूपणी, निरूपणी निरूपण मोक्षदायिनी, ये मुक्ति देने वाली, और क्षमा दया सद्गुण जो इसके पायदान है, इनकी प्राप्ति ही सत्संग से। सात स्वर्ग अभिवर्ग धरो तुला एक अंग, ताह सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लोभ सत्संग, एक क्षण का सत्संग इससे कहीं अधिक। तन अति दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, सभी सूत्र और संसाधन मानव तन के अंदर विद्यमान है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इसके बिना मनुष्य मोक्ष तन की प्राप्ति नहीं कर सकता है। स्वर्ग आदि में जो सुख मिला हमें क्षणिक है, ये परम महानिर्वाण नहीं है। पर न तो हम स्वर्ग की निंदा कर रहे हैं, न तो पितृलोक की निंदा कर रहे हैं, कैटेगरीज है, जगह है, अपनी अपनी जगह है। इस तरह कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, वो सारूप्य और सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, निर्गुण भक्ति कर रहे हैं, वह साहब ने इसका निरूपण बड़े बेहतरीन तरीके से किया। सरगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण योगेश्वर अनुसारा, तुम दोनों के पार बताया, मोरे चिते को नहीं आया। धर्मदास जी कह रहे हैं महाराज ये निर्गुण भक्ति योगेश्वर लोग कर रहे हैं, आप उसको भी काट रहे हैं, कह रहे हैं ये भी क्षणिक है, इसे भी आ गया कुछ, देखते हैं ये निर्गुण भक्ति क्या है। निर्गुण भक्ति पंच मुद्राओं से होती है, वो लोग अंदर में परमात्मा को ढूंढते हैं, बाहरी चीजों की तरफ नहीं जाते हैं, पर ये भी निर्गुण भक्ति है। कुछ लोग सोचते हैं अंदर की रास्ता मिला यही है सार, नहीं नहीं नहीं, अंदर के रास्ते में भी कई पड़ाव हैं, साहब कह रहे हैं ये पंच मुद्राएं खेचरी भूचरी चाचरी उन्मुनी अगोचरी पंच मुद्राएं। साहब ने बड़े सुंदर शब्दों से इसका विश्लेषण किया अपनी वाणी में, संतों सब शब्द है शब्द बखाना, निर्गुण भक्ति इन पांच शब्दों के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है, जितने भी मत मतांतर हैं इन्हीं पांचों शब्दों के इर्द गिर्द चल रहे हैं। साहब कह रहे हैं संतों सब शब्द है शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सबको ही शब्द नहीं पहचाना, सभी शब्द शब्द बोल रहे, प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन पांच शब्द उच्चारा, सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान ने पांच शब्द बोले, सोहं सत ज्योति निरंजन कहिए रणंकार ओंकारा, सर्वशक्तिमान ने पांच ये शब्द बोले, सोहं सत ज्योति निरंजन रणंकार ओंकार, निर्गुण भक्ति इन पांचों शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है, शब्द ही निर्गुण शब्द ही सर्वगुण शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुनकाया के अंदर कर बैठा अस्ताना,
यही शब्द निर्गुण है, यही सरगुण है, और वेद में इन्हीं शब्दों का उल्लेख है, और ये शब्द काया के अंदर है। जो जाकी उपासना की ना उसका कौन ठिकाना, साहब करें जो जिसकी भक्ति किया उसका ठिकाना कहते हैं। ज्योति निरंजन पांच शब्द यानी सुअंग सत ज्योति निरंजन रंकार ओंकार, जो जिसकी भक्ति किया उसका ठिकाना बोलता हूँ कहाँ पहुँचेगा। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही, तिसको जाना गोरख योगी महातेज हैं ताई। हम ये नहीं कह रहे कि ये कुछ भी नहीं है। पहला नाम है ज्योति निरंजन, आँखों के बैक में तीसरे तिल पर कंसंट्रेट करते हैं, ये श्राइन मंडल कंसंट्रेशन से जागता है, ये ध्यान जगाता है, ये कंसंट्रेशन से जागा। पर कंसंट्रेशन नहीं जगा, कंसंट्रेशन ने शरीर की इन जगहों को जगाया। जब ये जगह जगी, ये मामूली नाड़ियाँ नहीं है, बड़ी इनोसेंट नाड़ियाँ। आप एक चीज़ देखते हैं, हमारा ये स्थूल शरीर नाड़ियों से संयुक्त हैं, गुंथा हुआ है, जितनी एक्टिविटीज़ हैं कोशिकाओं का सेल का काम है। मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है, आप देख रहे हैं इसकी काफ़ी सेल है, एक बड़ी कंपनी कैसी है आपकी आँख में, ये जुड़े हैं, इनका पूरा तार है। जो आप सुन रहे हैं ये भी पूरा सेल कोशिकाओं का खेल है, पूरा इनका भी एक पूरा पूरा नेट है। जो आप बोल रहे हैं इसके लिए 608 मुख्य कोशिकाएं काम कर रही हैं, ये भी नाड़ियों का खेल है। जो आप सोच रहे हैं ये भी कोशिकाओं का खेल है। जो आप याद कर रहे हैं ये भी सेल का खेल है। जो आप चिंतन कर रहे हैं ये भी सेल का खेल है। ये बॉडी की एक्टिविटीज़ है, इसमें ये सेल बड़े सुपर दिए हुए हैं, बहुत वेल सुपर टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस इस समय काफ़ी तरक्की पर है। पर इसमें जो डीपर और इनर सेल्स हैं उसको आदमी नहीं जानता है। हम सब अपने जीवन काल में बड़े से काम करते हैं, कई बार मैंने इसका उल्लेख किया है, आप जब सो जाते हैं तो आपकी ये कोशिकाएं थक जाती हैं, आप सो जाते हैं। जैसे आप सो जाते हैं तो सपना देखने लगते हैं आप, उस समय कुछ और कोशिकाएं काम करती हैं, वो अभी सोई हुई है। जो आपको सपने दिखाने वाली नाड़ियाँ हैं उनकी पाली अभी नहीं शुरू हुई है, जब आप सो जाएंगे उनकी पाली स्टार्ट होगी, अभी वो आराम कर रही है, क्योंकि वो थक गई हैं। वो क्यों थक गई है? रात भर सपना दिखाया है। आप क्यों सो जाते हैं? दिन भर आपने एक्टिविटी की, आपकी ये कोशिकाएं थक गई, आप सो गए। फिर उठते क्यों? क्योंकि वो थक जाती हैं जिन्होंने सपना दिखाया और सब चीज़ें दिखाई, वो नाड़ियां थक जाती है, कहती भाई अब हम नहीं काम, वो सो जाती है। जब वो सो जाती है आपको उठना पड़ता है, बस ये प्रोसेस है। ये तो कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं, जो कुछ है, वो कोशिकाएं जो हमेशा सोई हुई हैं उनको बड़ी मुश्किल से कंसंट्रेशन के पावर से जगाना है, ध्यान से जगाना है, साउंड से जगाना है। जगाना दो तरह से ही है, जब कोई आदमी सोया है आप पहले उसे जगाते हैं आवाज़ दे करके कि भाई मोहनलाल मोहनलाल, ये शब्द की तरंग व्याप्स गई कान में ब्रेन के पास और कोशिकाएं जगी। मोहनलाल के साथ में रामलाल सोया है, रामलाल नहीं उठ रहा है, क्योंकि कोशिकाएं बड़ी इनोसेंट है, उन्होंने दोनों के पास आवाज़ समान रूप में गई, लेकिन रामलाल कहने से रामलाल जगा, मोहनलाल नहीं जगा, एक ही बिस्तर पर सोए। मोहनलाल की कोशिकाओं ने दिमाग तक संदेश पहुंचा, उन्होंने कहा देखो भाई मोहनलाल तुम्हें नहीं पुकारा गया है, तुम हो मोहनलाल, ये आवाज़ है रामलाल की। मोहनलाल आराम से फिर सो जाता है, पर रामलाल उठ के खड़ा हो जाता है, कोशिकाओं का खेल है। इस तरह यहाँ की कोशिकाएं पार्टिकुलर ज्योति निरंजन शब्द से जागती है, उनको जगाने का यही है। यहाँ का संरचना ऐसी है, आपने देखा ना अभी साउंड लॉक्स बन रहे हैं, वैज्ञानिक लोग बना रहे हैं, काफ़ी रिसर्च चलता है। आपने देखा होगा रिमोट लॉक्स भी थे और नंबरिंग लॉक्स थे और ऑर्डिनरी लॉक्स थे और अभी साउंडिंग लॉक्स बना रहे हैं और कई आगे और तरक्की होगी, मैग्नेट लॉक्स भी बने। आपने कहानियों में भी सुना होगा अलीबाबा 40 शोर में छम छम दरवाज़ा खुल जाओ, वो साउंडिंग लॉक था। छम छम दरवाज़ा बंद हो जाओ, वो साउंडिंग लॉक्स थे। कई बैंकों में अच्छी अच्छी पोस्टों पर मेरे सत्संगी हैं, वो बताते हैं गुरुजी आजकल लॉक्स जो तिजोरियों के हैं बड़े वैज्ञानिक तरीके से आ रहे हैं। तो इस तरह यहाँ की नाड़ियाँ ज्योति निरंजन वर्ड से खुलती हैं, ये सब लॉक की हैं, साउंड की से खुलती हैं। जब ज्योति निरंजन वर्ड पार्टिकुलर होता है, आप देखें कोशिकाएँ बड़ी इनोसेंट है, वो समझती है। इसी तरह यहाँ की नाड़ियाँ जग जाती है, जब ये जगती है इनका काफ़ी लंबा कार्य क्षेत्र है, ऐसे कई ब्रह्मांड अंदर में देखने लग जाएंगे। साहिब मेरा साहिब
साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।